विधान परिषद की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक समेत तमाम जो अलग अलग दल हैं उनके विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। अतुल जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की कोई भी सीट निकलती हुई दिख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अभी तो वोटों की गिनती होगी, पहले तो वोट डल रही हैं और जहाँ तक मुझे लगता है अगर किसी में सोच बेहतर होगी वो नौजवान साथी रामकरण निर्मल हो, राजभर जी हों, माने अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने और दलित और अति पिछड़ों को जो टिकट दिया है MLC का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो ये सोचना चाहिए कि जो हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की और दलितों की अपेक्षा करती आई है, उनको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके विरोध में मतदान करके आए हैं। अभी अभी एक तस्वीर देखने को मिली है, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उन्होंने वोट किया और एक ही गाड़ी में बैठ कर गए, क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, उनके लिए हम लोग इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि उनका कुछ पता नहीं है क्या किस समय पर बोल दें, क्या किस समय पर कह दें और क्या किस समय पर कर दें। अभी ब्रजेश पाठक जी की गाड़ी में गए हैं, क्या पता उनके घर से शायद किसी और दूसरे दल की पार्टी की गाड़ी में बैठ लें, तो उनका कुछ पता थोड़ना है। ऐसे लोग जो लगातार अपने रास्ते और अपने विचार बदलते रहते हैं जनता से, वो विश्वास खो देते हैं और विश्वास जनता से उन्होंने खो दिया है। बताइए, नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ उनका, जो बड़ा दम भर रहे थे, अब वो किसी की गाड़ी में बैठ जाएं? अंतरात्मा की आवाज़ कही जा रही थी, तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है कि पिछड़ों और दलितों को इकट्ठा होकर, चाहे वो किसी दल के पार्टी के हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मतदान करना चाहिए। तो साफ है कि अतुल प्रधान का कहना है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो भी अलग अलग दल के विधायक हैं उनको समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर आई है उसके कई सियासी मायने हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इसका खंडन कर रही है, साफ कह रही है कि वह अलग अलग दल बदलते रहते हैं, इसलिए उनका क्या कदम होगा ये वही जानते हैं। कैमरामैन सर रुजीत के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।